नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। कक्षा 6 के छात्र ने कमरे के दरवाजे दोनों तरफ से बंद करके लगाई फांसी। 12 साल के मासूम की हुई मौत। परिवार चौरटा थाना अंतर्गत नई बस्ती मरहा का रहने वाला था। कक्षा 6 के विद्यार्थी ने घर के दरवाजे बंद किए, फांसी के फंदे पर लटक गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिवार नई बस्ती मरहा थाना चौराटा का रहने वाला। हम आपको बता दें, शिवम यादव पिता विष्णु यादव उम्र 12 साल रीवा ढेकहा मोहल्ले में जे स्कूल में कक्षा 6 का विद्यार्थी था। बीते दिन उसने घर में कमरे का दरवाजे बंद किया। उसके कमरे में आने जाने के लिए दो दरवाजे थे। दोनों दरवाजे उसने बंद किए और फांसी के फंदे पर लटक गया। घर में कोई पुरुष नहीं था। घर वालों को तब तक पता चलता, काफी देर हो चुकी थी। मौके पर कोई भी नहीं था। दरवाजे को तोड़कर शिवम यादव को फांसी के फंदे से उतारा गया। संजय गांधी अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी, ऐसा परिजन कह रहे हैं। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बीते दो दिनों में बच्चों के दो चौंकाने वाले मामले सामने आए। कल के मामले में 18 साल के लड़के ने अज्ञात जहर का सेवन कर लिया था। उसको ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी। काफी रकम हार गया था, इसलिए उसने ये कदम उठाया था। लेकिन 12 साल के लड़के शिवम ने ये कदम क्यों उठाया, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। हालांकि 12 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बच्चों को जानकारी भी नहीं होती, वो किसी तरीके से कोई भी कदम उठा भी नहीं सकते, उनको बहुत सोचने का ज्ञान भी नहीं होता। उसका यह कदम काफी चौंकाने वाला है। घर वाले भी समझ नहीं पा रहे शिवम ने यह कदम क्यों उठाया। आमतौर पर 12 साल की उम्र में घरों में जिस तरीके से बच्चों को रखा जाता है, उसी तरीके से शिवम भी रहता था। रोज स्कूल जाता था, पढ़ता लिखता था। उसकी तमाम जरूरतों को घर वाले समय रहते पूरा कर देते थे। घर में घी दूध की कोई कमी नहीं थी। शिवम ने फांसी क्यों लगाई, ये सवाल अब महज सवाल बनकर ही रह गया। साफ तौर से माना जा सकता है एकाएक शिवम के दिमाग में कोई बात चली होगी। उस समय शिवम घर में अकेला रहा होगा, ना उसके आसपास बहन होगी ना माँ होगी। उसी के चलते उसने एक कदम उठा लिया होगा। अपने कमरे के दोनों तरफ से उसने दरवाजे बंद किए, अंदर से सांकल लगाई और फांसी के फंदे पर लटक गया। उसने यह समय चुना जब घर में कोई भी पुरुष नहीं था। आमतौर पर जिस कमरे में शिवम ने फांसी लगाई, ये कमरे में आने जाने के दोनों तरफ से रास्ते थे, इसलिए इस कमरे में दरवाजे नहीं ही बंद होते थे। परिवार के सभी सदस्य जब काम से घर के बाहर गए थे, तब उसने इस कदम को उठाया। अस्पताल की पुलिस चौकी में 976/22 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए पंचनामा कराकर शव के पोस्टमार्टम करके शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। हमारी टीम ने शिवम यादव के परिजन से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। वहाँ नाम बस बताइए, क्या हुआ? शिवम यादव था, हम लोग सब काम में चले गए थे। जब शाम के आए तो दोनों तरफ से सगारी बंद थी, फिर दरवाजा तोड़े तो देखे तो फांसी लगाए खत्म थी। कितनी उम्र थी? 12-13। किस क्लास में पढ़ते थे शिवम? 6ठी। रीवा में हुआ या कहाँ किया उनने, कहाँ हादसा हुआ? ये मरहा नई बस्ती में। आपका नाम? मनवरन यादव। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।